चलिए आज हम आपके बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 वो करेंगे। 72 में क्या खास बात है, कुछ एक अलग यूनिक है जो कि करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ना चाहिए। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले कहते हैं ऑन 1st अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर 1/6 ईयर के लिए। और जेड जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है जेड ब्रिंग इन 40,000 एज हिज कैपिटल, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता है जेड जो है अपने साथ 40,000 रुपीज अपना कैपिटल लाया, तो जो जो एडजस्टमेंट उसके हिसाब से, तो 40,000 रुपीज अपना कैपिटल लाया। तो एडजस्टमेंट सबसे पहले जो 40,000 लाया है हमें क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट में लिखना चाहिए टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल 40,000 रुपीज। इसके बाद सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में जाके हमें लिखना पड़ेगा कैश, कैश अकाउंट और 40,000। और क्वेश्चन में वेरी क्लियरली बोलता है कि वो अपना गुडविल नहीं ला पाया, तो गुडविल की बाद में बात करेंगे। गुडविल नहीं ला पाया तो या तो हमें फर्म का गुडविल दे दे तो हम उसका हिस्सा निकाल लेंगे, या फिर हम हिडन गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एडजस्टमेंट, आपका क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 रुपीज। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि वर्कमैन कंपनसेशन है जो कि क्लेम कितना हो गया हमारा 3,000। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाता है तो उसको लाइबिलिटी में ही छोड़ देंगे। किस नाम से छोड़ देंगे, वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम, स्पेस ना होने की वजह से मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको लिख देंगे वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का क्लेम हो गया, 3,000 का। 3,000 का क्लेम का मतलब है कि अब हमें इसे 3,000 रुपए देना पड़ेगा। जब हमारा टोटल था बैलेंस शीट में देखें तो 5,600, 5,600 में से 3,000 का क्लेम हो गया तो 2,600 रुपए बच गए। वो 2,600 रुपए अब पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। पार्टनर्स का पैसा होगा ये बचा हुआ, तो बाय वर्क मैन कंपनसेशन, अब यहां पे वर्ड यूज करेंगे रिजर्व, और इनका रेशो है 3:2, तो इसको मैं बांट लेता हूं 15 और 2 ये लीजिए। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया, चलते हैं अब थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट कहता है राइट ऑफ द बैड डेट्स अमाउंट 2,600। 2,600 का मतलब है डेटर जो भी दे रखा था हमें, सबसे पहले देखो डेटर था कितने का, डेटर डेटर ये चलो डेटर ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर यूज करते हैं, 80,000 कहता है इसमें से लेस कर दो राइट ऑफ बैड डेट्स, कितना बोलता है 6,000। इसका मतलब ये हो गया 74,000। इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा आपका के डेटर के ऊपर स्पेशली, कई कभी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज समझ में नहीं आता कई बार, तो इसके ऊपर हम अलग से क्लास रखेंगे और जनरल एंट्री भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है 80,000, तो 74 पहले देखो डेटर कितने का था, 76 का, अब बचा कितने का, तो 2,000 रुपए का नुकसान है। टोटल 6 था, 4 तो पहले से मान ही रहे थे हम, और टोटल बोलता है 6 मानो, तो कितने का लॉस हो गया 2,000 का, तो 2,000 का लॉस इधर लिखेंगे 2 bad debts अमाउंट 2,000। क्लियर, एडजस्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। फोर्थ कहता है क्रेडिटर आर टू बी पे 2,000 मोर। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर को 2,000 और पेड करने हैं या पेड कर दो, क्या मतलब बनता है यहां,
करने हैं, इस टू बी पेड मतलब फ्यूचर में करेंगे। तो क्रेडिटर देखते हैं कितने का था, क्रेडिटर था हमारा 20,000 रुपए का, इसमें ऐड कर देंगे, एप्रिशिएट हो गया 2,000 रुपए से, यानी अब मेरा क्रेडिटर हो गया। अगर एग्जामिनर बोलता है कि इस 22,000 को पेमेंट कर दो, तो मैं कैश अकाउंट में बाय साइड में लिख देता, क्लियर, 22,000। तो पहले 20 था, अब 22 है, तो नुकसान हो गया, टू क्रेडिटर 2,000 रुपए का, टू क्रेडिटर 2,000 रुपए का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहता है, समझ में आया ये वाला एडजस्टमेंट, क्रेडिटर को 2,000 इस टू बी पेड मतलब 2,000 और पेड करना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देयर बीइंग अ क्लेम ऑफ अगेंस्ट डैमेजेस लाइबिलिटी, एक क्लेम है डैमेज लाइबिलिटी 2,000 शुड बी क्रिएटेड, मतलब डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, कोई भी फर्म से गलती हो गया होगा, फर्म ने कोई डैमेज कर दिया होगा किसी का, उसकी वजह से फर्म को लगता है कि मुझे इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, लॉस यानी लाइबिलिटी आ गया। तो एक डैमेजेस फॉर लाइबिलिटी है, किस चीज का क्लेम है, इसमें कहता है डैमेज लाइबिलिटी क्लेम अगेंस्ट डैमेज, तो मैं क्लेम डैमेज लिख देता हूं, सिर्फ क्लेम डैमेज। हाँ, आउटस्टैंडिंग या प्रोविजन फॉर क्लेम कर देता हूं, एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लेम का मतलब हमें देना बाकी है, कितने रुपए का बताओ, 2,000 रुपए का, क्लियर, 2,000 रुपए का क्लेम देना बाकी है। अगर 2,000 रुपए का हमें क्लेम देना बाकी है, तो मेरे लिए टोटल ये पूरा का पूरा 2,000 लॉस है, तो फिर हम लिख देंगे प्रोविजन फॉर क्लेम। हाँ जी, जिसके ऊपर डाउट होता है, ठीक है। यहां पे कहता है देयर बींग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेज लाइबिलिटी एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 शुड बी क्रिएटेड, मतलब हमें बनाना चाहिए, अभी कंफर्म नहीं है 100%। यहाँ पे कुछ मुझे सेंटेंस को देख के थोड़ा सा फील हो रहा है कि हमें कंफर्म नहीं है। वैसे आप इसको लाइबिलिटी भी कर सकते हो, क्लेम लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, मुझे लग रहा है कि अभी शायद देना पड़े, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते, कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता, तो पार्टनर को बुलाते, भाई आप मुझे बता दो कि ये क्लेम दोगे या लग रहा है, अगर वो बोलता भाई देंगे तो मैं लिख देता क्लेम फॉर लाइबिलिटी, अगर वो बोलता लग रहा है कि देना पड़ सकता है, तो मैं क्या लिख देता, प्रोविजन, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम पार्टनर को बुला के पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हम नहीं पूछ सकते, इसलिए जो हमें लगता है और फिर भी आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो उसके लिए नोट लिख दे कि हमें इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपका आंसर 100% ठीक माना जाएगा। अब इसके बाद चलो आगे, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉड डाउन टू 11,200, ब्रॉड डाउन टू मतलब अब इतने का हो गया, ब्रॉड डाउन बाय मतलब इतने से कम हो जाता है, ब्रॉड डाउन टू अब इतने का हो गया। तो मैं आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो मैं यहां पे लिखता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पहले कितने का था, अब बोल रहा है 11,000, इसका मतलब फायदा हो गया, 1,800 रुपए का फायदा है, तो इसे कहां दिखाएं, बाय आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,800 का बेनिफिट हो गया। क्या हर किसी को क्लियर है, पहले मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 रुपए का था, ब्रॉट डाउन का मतलब कम हो गया, और जहां पे टू वर्ड लग जाता है इसका मतलब अब इतने का है, ठीक है, क्लियर। आगे कहता है सेवन पॉइंट में,
कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज, जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा 1.5 ईयर परचेज होगा, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, जो भी गुडविल होगा वो पिछले 3 साल का, लेस 12,000, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर दे रखा है, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देना, लेस 12,000 फ्रॉम गुडविल लिख देना आप। चलो मैं इसका सॉल्यूशन पहले बताता हूँ, फिर मैं एडिशन करा दूंगा। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई सबसे पहले तो जेड अपने साथ एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो, कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया था या नहीं लाया था। मैंने कॉन्सेप्ट में करवाया था कि ये पार्टनर अपने साथ अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता, फिर भी दोनों पार्टनर इससे ले लेंगे और कैपिटल को कम कर देते हैं, या तो कैपिटल को कम कर दे या करंट अकाउंट से, लेकिन हम अभी कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसके कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। तो सबसे पहले तो हमें ये तो पता चले कि गुडविल कितना है, तो फर्म का गुडविल निकाल लेते हैं पहले। फर्म गुडविल सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दस हजार सेकेंड ईयर का और डिवाइडेड बाय आ गया टोटल हमारा, और गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज तीस आएगा ये, तो 60, 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही तो आएगा, ठीक है। क्या लिख रखा है, अच्छा ये बोल रहे हो, चलो ठीक है, 1-0 कम लग गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे गुडविल देखो कितना आएगा, इधर ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट 1.5, 1.5 ईयर का मतलब 1.5, ये आ गया। एग्जामिनर कहता है जो भी आपका गुडविल निकले उसमें से 12,000 माइनस कर दो तब उसको गुडविल मानो। तो नाउ हमारा गुडविल क्या आएगा, गुडविल इज इक्वल टू 30,000 और एग्जामिनर कहता है इसमें से 12,000 माइनस कर दो उसे गुडविल मानना, मींस 18,000, और जेड 1/6 के लिए फर्म में एंट्री लेता है, तो पूरे फर्म का 18,000 है, तो इसका शेयर क्या आएगा, 3,000 रुपए गुडविल आएगा। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री मैंने बताया हुआ है कई बार, यहां करके बताता हूं। इसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और टू यही सीखा है हमने, 3,000 रुपए को 1,800 और 1,200 में बांट देंगे ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ गया, 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया मेरा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे लेट करके, उसके बाद न्यू माइनस ओल्ड माइनस में न्यू करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3:2, क्लियर। चलिए यानी अब इसके ट्रीटमेंट करते हैं, जेड का कैपिटल डेबिट, 2x 2y, जेड के कैपिटल को डेबिट कर दो, कम कर दो, और एक्स के कैपिटल को बढ़ा दो और वाई के कैपिटल को बढ़ा दो, तो एक्स के कैपिटल को बाई साइड से बढ़ाया जाएगा, कौन बढ़ाएगा, जेड, जेड कैपिटल, हम कैपिटल से एंट्री कर रहे हैं, करंट से भी हो सकता है लेकिन हम करंट कैपिटल से करेंगे, 1,800 और 1,200। चलो जेड का कैपिटल कम कर दो, कौन कौन कम करेगा, जेड का एक्स करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर ये एंट्री आपको समझ में आ जाता है तो 6th चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, उसमें यही एंट्री है बस। चलो इसका कम करते हैं, जेड का कैपिटल एक्स ने कितने से कम कर दिया, 1,800, और इसने क्या, क्लियर है यहां तक, फर्म का पहले गुडविल निकाला उसके बाद उसका शेयर, जब पार्टनर गुडविल लेके नहीं आते तो किससे एडजस्टमेंट करते, थ्रू कैपिटल, करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं लेकिन वो सिचुएशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे एंट्री कर दिया हमने, लास्ट एडजस्टमेंट भी हम कर चुके, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है,
आज जनरल एंट्री भी इसका देख ही लेंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्री किया जाएगा, ठीक है ना। एक एक करके जनरल एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए, कहां पे, किस साइड में? अच्छा, यहाँ पे ये वाई आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, बैलेंस शीट में क्या दिक्कत आ गई? ट्रांसफर करने की बोल रहे हो, किसमें? कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसे करेंगे। आप उसकी देखो, किसकी कम किया, कर दिया ना, एक इधर से बढ़ा दिया, इधर से कम कर दिया। कैश अकाउंट में कैश तो इसका कैश कम नहीं होगा अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलो, पहले सबसे पहले 6,000, और बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन आएगा? एक्स एंड 6,000 में से माइनस कर देते हैं 1,800 रुपये, 4,200। 4,200 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 2,520, 1,680। क्लियर है यहां तक? अब इस लॉस को किधर बांट दे, इस साइड में, टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखो लॉस 5 और 1,680। क्लियर? अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करते हैं। अब पहले क्लोज करने से पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, अब हमें बैलेंस शीट को देख लेना चाहिए। इनफैक्ट हमें इस वाले अकाउंट को भी क्लोज करने से पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी चाहिए थे स्टेप्स के हिसाब से। चलो, एसेट्स में कैश का बैलेंस दे रखा है पहले, टू बैलेंस बीडी, बताओ अमाउंट 10,000। और क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस सीक्वेंस से बता रहे हो ना आप, कैश स्टॉक सीक्वेंस से बताओ। स्टॉक गिवन कितने का, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया था, ये होता है प्रिलिमिनरी या फिक्टीसियस एसेट्स होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा लॉस होता है इसलिए डेबिट करते हैं। लॉस हमने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर से पहले माइनस नहीं किया होगा, इसलिए उसे अलग से दिखाया गया है बैलेंस शीट में। अगर पहले माइनस कर देते तो अलग से नहीं दिखाया जाता। हाँ, तो लॉस जहां पे होता है, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट होता है, ये हमारे एसेट साइड में तो है, लेकिन क्या इस एसेट से मुझे कुछ मिलेगा? तो इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। फिक्टीसियस एसेट्स मतलब फेक एसेट्स, एक्चुअल एसेट्स नहीं है, ये बस एसेट साइड में दिख रहा है, लेकिन ये एसेट्स के जैसा काम नहीं करेगा, इससे कोई इनकम नहीं आने वाला हमें, इसलिए हम इसे कई बार हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर भी, मैंने बोला एग्जाम्पल में, डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का है, अब इसको बांट देते हैं, तो इसका आ गया 2,000 और दूसरे का 1,600। चलिए, एसेट्स में और क्या है? मशीनरी, मशीनरी 38,600। चलिए नेक्स्ट, बस कंप्लीट कैपिटल। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, तो कैपिटल तो अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 50,000 और 60,000। क्लियर? और लाइबिलिटी में कुछ रहता है पेंडिंग? नहीं। चलिए, अब इसको टोटल करते हैं, 50,000, ये आ गया 53,
ये आ गया 5-3 और 2 बैलेंस माइनस 2520 और 2448। चलो सेकंड 240। 6-2। हर एक बच्चा कैलकुलेशन साथ के साथ करे, इससे होता क्या है हमारा माइंड बिल्कुल चलता रहता है। 5-8। और इससे क्या होता है, एक माइंड भी चलता रहता है, दूसरा थिंक हम क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब जो बच्चा सोचता है कि बस क्वेश्चन हो जाए और इसको उतार लेंगे, वो सीख नहीं सकता कुछ भी, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। 40,000 और 30, और ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां पे ये बैलेंसिंग फिगर है, क्लियर। इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल एक्स का, वाई का एंड जेड का, 48,000। और जिस हिसाब से आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड तक वैसे ही लेके जाएं, इसके बाद 37,000। और आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कोशिश करें कि बिल्कुल आप जो भी हमारा है उसके नीचे लिखो, ताकि आप पीछे आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। एक लाख 44,000 400, क्लियर। चलिए अब हमारा टाइम आ गया कैश बुक को टोटल करने का। कैश बुक को टोटल करें 50,000, 50,000 बाय बैलेंस, सीडी 50,000, और इसको लिख देते हैं हम कैश अकाउंट। चलिए 74,000, 20,000, 38,600 और 50,000, 182। चलिए वन एटी टू। चलिए अब कई बार होता क्या है, जनरली हमने ये आंसर लिख दिया, कुछ जगह पे कई सारे बुक्स में सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो जो गुडविल लेके नहीं आया था वो ये सोचते हैं कि गुडविल को हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, कैपिटल से नहीं करते। तो जब करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, तो देखो पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब गुडविल नहीं लाएगा इसके कैपिटल को कम कर देंगे, वही मैंने जो पहले सिखाया था उसी के बिहाफ पे इसका आंसर दिया है। लेकिन कई बार एग्जामिनर अपनी मर्जी से आंसर में मान लेता है कि वो गुडविल हम कैपिटल को कम नहीं करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे थ्रू करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो यहां पे आएगा जेड का करंट अकाउंट, सबसे पहली बात। जब जेड का करंट अकाउंट आ गया तो इसका कैपिटल कम नहीं होगा, यानी इसका कैपिटल एज इट इज 40 पहुंच जाएगा, यहाँ पे 3,000 ये बढ़ गया। और जो वो करंट अकाउंट है आज नहीं तो कल लेके आएगा जेड, वो जेड का करंट अकाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा 3,000, 3,000 इधर भी बढ़ जाएगा। तो कई सारे बुक्स में इस तरीके से सॉल्यूशन करता है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जैसे समझ में आए, अभी भी आपको किसी बच्चे को डाउट लगता है, किसी स्टूडेंट को डाउट लगता है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, नोट दे देंगे, वी अज्यूम दैट अनेबल टू ब्रिंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। हम क्या मान रहे हैं, जो गुडविल नहीं लेके आया किससे एडजस्ट कर रहे हैं उसको कैपिटल, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो बिल्कुल आंसर, ठीक है, फिर इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 72 किया हमने, इसका जनरल एंट्री देखेंगे। अमूमन देखा गया, नॉर्मली देखा गया कि आपको जब जनरल एंट्री आता है तो आपको क्वेश्चन टफ लगने लग जाता है, और ज्यादातर बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं, बोलते हैं हम तो लेजर का प्रैक्टिस करके गए थे लेकिन जनरल आ गया, कैसे करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, जनरल एंट्री करें तो करें किसका, जितने भी एडजस्टमेंट है उन सभी का जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा, जितने भी एडजस्टमेंट है।
तो हमें एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री करना पड़ता है, और बैलेंस शीट के अंदर जो कुछ आइटम होता है उसका भी जर्नल एंट्री करना पड़ता है, बैलेंस शीट के अंदर सारे रिजर्व एंड सरप्लस का जर्नल एंट्री करना पड़ता है, और बैलेंस शीट के अंदर से हमें और किसका करना पड़ता है, और हमें करना पड़ता है जो कि नेगेटिव एसेट्स होते हैं यानी फिक्टीसियस एसेट्स। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करने का आसान तरीका, हमें किस किस का जर्नल एंट्री करना चाहिए, पॉइंट नंबर वन, सारे के सारे ऑल एडजस्टमेंट। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा करना। पॉइंट नंबर टू, ऑल रिजर्व। अब रिजर्व में क्या क्या हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और नंबर थ्री नेगेटिव एसेट्स या फिर फिक्टीसियस एसेट्स। फिक्टीसियस एसेट, अब ये क्वेश्चन आता है सर ये क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब लॉस। ये तीन चीजें, इनकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है। ये तो था पॉइंट ऑफ व्यू किसके, जब हमें सीधा डायरेक्ट करना पड़े, लेकिन जब लेजर बना लो तो और काम आसान हो जाता है जनरल एंट्री। जब लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तब भी देखेंगे, ये था डायरेक्ट। अब जब अगर हमने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, लेजर अकाउंट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करें, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी एंड ट्रांसफर, इनकी एंट्री को नहीं करते जब लेजर बनाएंगे। तो लेजर में बैलेंस बीडी भी होगा, बैलेंस सीडी भी होगा, और कुछ आइटम ऐसा होता है जो कि रिवॉल्यूशन से ट्रांसफर होता है यहां पे, तो ट्रांसफर की एंट्री को नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे उसकी एंट्री। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। चलो पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट देखने को क्या मिला हमें, कैश, सबसे पहले वो कैपिटल लेके आया, तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग, चलो जेड का कैपिटल है, मैं जेड का कैपिटल लिख देता हूं, जेड कैपिटल बीइंग, जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है ऑफ कैपिटल लगा लेना, अमाउंट, इसके बाद दूसरी मेन और इंपॉर्टेंट एंट्री गुडविल वाली, जो गुडविल से हमने उसको करा था। तो हमने इससे पहले एडजस्टमेंट तो सारा देख ही लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो एंट्री क्या करेंगे, जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल एन टू वाई कैपिटल। तो आपको अगर मैं बोलूं तो ये जर्नल एंट्री तो आपने पहले भी सीखा है, ये 3000 1800 एंड 1200। अब जर्नल एंट्री करते टाइम पे या तो रीवैल्यूएशन मेरा प्लस होगा या रीवैल्यूएशन मेरा माइनस, यानी या प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरा रिवॉल्यूशन प्लस होता है तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट, और रिवॉल्यूशन अगर माइनस तो हो जाएगा डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है उसके अपोजिट में उसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया था, सेकंड था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी रिजर्व का पार्ट है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की देखो कैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो खत्म कर दो इसको, वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व सबको मैंने कंप्लीट कर दिया, कितना था 50 600, और जितना पार्ट क्लेम हुआ उसको क्लेम लाइबिलिटी बना दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था इसका जर्नल एंट्री का हमने, ठीक है। इसके बाद क्या करें, बांट दो पार्टनर में, कौन कौन, एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, सेकंड की नरेशन लिखेंगे बीम, जेड शेयर ऑफ प्रीमियम, इसके नीचे लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, या फिर लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्लियर। जेड का शेयर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। ये एंट्री समझ में आया। अब क्लेम कितना हो गया 3000, लाइबिलिटी पार्टनर्स में कितना बटेगा, और 10 40, ठीक है। बींग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट एंड क्लेम, दो पार्ट हो गया एंड क्लेम, चलो इसकी एंट्री भी कर ली, क्लियर। अब इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट था हमारा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया, तो बैड डेट्स कितने का रिटर्न ऑफ हो गया हमारा, 6000 रुपए का बैड डेट्स को क्या करना है, रिटर्न ऑफ। पहले से क्या प्रोविजन बना रखा था, उस प्रोविजन को हमें खत्म करना पड़ेगा। प्रोविजन पहले देखो क्रेडिट है या डेबिट है, पहले से डेबिट है या क्रेडिट है, लेस कर रखा है एसेट्स में से तो क्रेडिट। तो इसको क्या करेंगे हम, या तो इस वाले एंट्री को मैं अलग से करूंगा, इस पे ना आप स्टार लगा लो, इस एडजस्टमेंट पे आप स्टार लगा लो, इसकी जर्नल एंट्री हम अलग से करेंगे इसको, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, इसको अलग से इसके एडजस्टमेंट के साथ साथ करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगले एडजस्टमेंट, क्रेडिटर इज टू बी पेड रुपीज 2000 मोर, क्रेडिटर की एंट्री करेंगे तो रिवेल्यूशन में जा रहा है ना, तो रिवेल्यूशन नुकसान, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आप रिवेल्यूएशन मेमोरेंडम भी लिख सकते हो, बात वही है, या रिवेल्यूशन लिख दो, बात वही है, ठीक है। बीइंग क्रेडिटर पेड 2000 रुपीस मोर, एम लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस बहुत कम है यहां, 2000 रुपीस मोर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, सेकंड मैंने छुड़वा दिया, थर्ड भी कर लिया, सॉरी थर्ड छुड़वा दिया मैंने, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ क्लेम है हमारा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो नुकसान हो रहा है तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने नाम दिया था प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लियर। अमाउंट कितने का, कितने का, क्या बोल रहे हो, तीन की जगह पे, अच्छा सीरियल नंबर 4 and 5। बींग क्लेम फॉर डैमेज, डैमेज, ठीक है, उसको प्रॉपर आप क्या लिख सकते हो, बींग क्लेम फॉर डैमेजेस क्रिएटेड। पहले आप सिर्फ जर्नल एंट्री देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन टू, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन कितने है गए हमारे 1800 रुपए। बींग बींग आउटस्टैंडिंग रेंट
रिड्यूस, रिड्यूस हो गया, क्लियर। चलो इसके बाद कंटिन्यू आगे करते हैं। चलिए एक एलएफ का कॉलम भी बनाना है हमने। अगली एंट्री, अगली एंट्री है हमारे पास आउटस्टैंडिंग के बाद गुडविल, और गुडविल की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। सिर्फ इतना करने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। मैंने बोला सबसे पहले एडजस्टमेंट डन, ऑल रिजर्व, क्या हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व था? बिल्कुल, वर्कमैन कंपनसेशन कर चुके हैं। फिक्टीशियस एसेट्स ढूंढो, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या करेंगे, ए एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। चलिए बताएं अमाउंट क्या क्या आया, 2400 एंड 1600 और 4000। इसको बोलेंगे राइट ऑफ करना, बीइंग लॉस राइट ऑफ। और साथ के साथ कई बार पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल भी होगा, उस गुडविल को भी राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में, जैसे कि पहले भी हमने सीखा हुआ है। यहां तक कर लिया। अब हमें दो बातों का ध्यान रखना, एक बात सिंपल सा ध्यान रखना है, इसके बाद रिवेल्युएशन का प्रॉफिट या लॉस को बांटना है, रिवेल्युएशन के प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट रिवेल्युएशन को बनाए हुए आप प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, जैसे कि आपने करा था अभी। बताओ रिवेल्युएशन का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक्स एंड वाई कैपिटल और टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। चलो पूरा लिख देते हैं। अमाउंट क्या क्या है बताओ, एंड 1680, टोटल 4200। इसमें लिखेंगे बीइंग, इसकी बीइंग लिखेंगे लॉस, या फिर लिखते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू कैपिटल, क्लियर, ट्रांसफर टू, क्लियर है। ये जर्नल एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं बताऊंगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी ने नोट कर रखा है तो मुझे एक बार रजिस्टर दे दो, तो मैं समझाता हूँ और इससे मैच भी करते हैं, ठीक है? एक रजिस्टर दे, पिछले वाला क्वेश्चन नोट किया था आपने, ठीक है? चलिए ये ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है अभी हमने किया, ठीक है? क्या विजुअल है आपको? ध्यान से देखना क्या गिवन है। अगर ध्यान से देखें तो एक रिवेल्युएशन अकाउंट गिवन है, अभी बनाया था। रिवेल्युएशन अकाउंट के अंदर जो टू में है उसे तो टू में रखना है, और जो बाय में है उसे बाय में रखना है, मैच करना है अकाउंट के नाम से। बैड डेट्स वाला मैंने छुड़वा दिया। पहला क्या है, क्रेडिटर, रिवेल्युएशन टू क्रेडिटर, रिवेल्युएशन टू, क्या मैंने यहां पे जर्नल एंट्री किया है? बिल्कुल, रिवेल्युएशन टू क्रेडिटर, भले ही ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एंट्री सारा करेंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर क्लेम है आपका, रिवेल्युएशन टू प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लियर, क्या करा है हमने? बिल्कुल। इसके बाद आगे देखते हैं, टू प्रोविजन फॉर, इसके बाद बाय में क्या है हमारा, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, बाय साइड में है तो इसको डेबिट करेंगे और मैच कर देंगे अकाउंट से। तो रीवैल्यूए, इसको डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम रेंट टू रीवैल्यूएशन, ये देखो। इसके बाद लॉस है, इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे। लॉस को क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और टू
रीवैल्यूएशन, यही लिखते हैं ना, टू रेवल्यूशन, जो कि मैंने लास्ट में एंट्री किया, ये रहा। आगे पीछे अब पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल में से बैलेंस बीडी और सीडी की एंट्री नहीं करेंगे, जो कि हमारा बैलेंस बीडी ये रहा। कैश में पैसा आया कहां पे है, सी में, और कैपिटल है तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर दिया हमने। कैश में आया, हमें जो दे रखा है उसी से करेंगे। आगे बैलेंस बीडी का नहीं करना, इसका करेंगे। किस में जा रहा है ये, सी में जा रहा है, और मिल किसको रहा है, ए और बी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय में जेड है, यहां पे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई, समझ में आया। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी इसी तरीके से करेंगे। बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी की कोई एंट्री नहीं है, और रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर हो रहा है, पहले कर चुके हैं तो अगेन नहीं करना। इसके बाद लॉस करेंगे ए बी और टू प्रॉफिट एंड लॉस, कर दिया। बैलेंस शीट में से किसी की भी जर्नल एंट्री नहीं करनी, और ना ही हमें कैश बुक में से कोई एंट्री करनी है, क्लियर। तो इसके अंदर देखा जाए तो जर्नल एंट्री आप चाहे लेजर बना के कर लो, और चाहे आप एडजस्टमेंट के थ्रू कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है। बस हाँ, किसी बच्चे का पहले ये होगा, किसी का ये होगा, तो इसमें डेट होता नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे जर्नल एंट्री हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फटाफट से नोट कर लीजिए आप, एक मिनट एक मिनट, नोट करिए फटाफट।